वाहन चेकिंग के दौरान हथियार के साथ हथियार तस्कर हुआ गिरफ्तार, साथ ही बरामद हुई भारी मात्रा में देसी काटा और गोली बरामद। जी हाँ नमस्कार, भी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। खबर शेखपुरा जिले से है, जहां शेखपुरा पुलिस अधीक्षक बलराम चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बड़बीघा पुलिस की टीम के द्वारा गाजीपुर के पास घेराबंदी कर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग के दौरान चार लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसकी तलाशी लेने पर चार देसी कट्टा, 150 गोली, 10,700 नकदी और मोबाइल इत्यादि बरामद कर ली गई। सभी लोग हथियार की तस्करी करते थे। पकड़े गए लोगों में नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र के ईसुआ गांव निवासी अनिल चौहान 62 वर्षीय और वही मुरारी चौहान जो 31 वर्षीय है, दंगल सिंह के पुत्र सोनू कुमार 24 वर्षीय तथा दिलीप रविदास के पुत्र अजीत कुमार 18 वर्षीयों को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनू और अजीत पटना जिले के सलीमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चकछीतु गांव निवासी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अनिल चौहान पर पहले भी 2006 में आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज है, उसमें आरोपी पत्र की दाखिला भी किया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं इस मौके पर पुलिस अधीक्षक बलिराम चौधरी क्या कह रहे हैं। 24 को लगभग 9 बजे एक गुप्त सूचना मिली कि बड़बीघा थाना क्षेत्र में काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्म्स एवं एम्यूनेशन का डील होने वाला है। इस सूचना के आधार पर अविलंब जो है थाना प्रभारी बड़बीघा के नेतृत्व में मिशन थाना एवं वहां के उपलब्ध पदाधिकारियों का एक टीम गठित करके बड़बीघा से मेहूस जाने वाले रोड में उस टीम को तैनात किया गया। उस टीम द्वारा जब वहां पर अपना जाल बिछाया गया तो उसी क्रम में चार व्यक्ति वहां पर आए और वो कुछ संदिग्ध स्थिति में दिखे। एक व्यक्ति के हाथ में थैला था और कुछ व्यक्ति वहां पर आकर के उनसे बात करने लगे। जैसे ही उन लोगों को पुलिस के द्वारा घेरा गया तो वो भागने की कोशिश किए। चारों व्यक्ति को वहां पर पकड़ा गया। पकड़ने के पश्चात उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से चार देसी कट्टा और 3 पैकेट में रखा हुआ 50-50 की संख्या में कुल 150.315 की कारतूस बरामद की गई। जब इनसे पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया कि आर्म्स एवं एम्यूनेशन कहां से लाए हैं। अभी उनसे और आगे पूछताछ की जा रही है और हमें उम्मीद है कि ये जो है सप्लाई, ये बहुत बड़े सप्लायर हैं और इसमें जो 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं वो 2 व्यक्ति सलीमपुर जिला पटना के रहने वाले हैं और 2 व्यक्ति सरमेरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन लोगों का मुख्य पेशा यही है। इसमें से एक व्यक्ति पूर्व में भी आर्म्स सप्लाई के केस में जेल जा चुका है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोगों द्वारा प्राप्त किया गया। उसमें अनिल चौहान पूर्व में भी आर्म्स सप्लाई के केस में जेल जा चुका है और इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है। बाकी जो अभियुक्त पकड़ाए हैं उनकी आपराधिक इतिहास संबंधित थाना से ली जा रही है और फिर उसके पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या था सर प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि चुनाव प्रभावित करने को लेकर ये इन लोगों का यही है। आर्म्स और एम्यूनेशन सप्लाई करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि चुनाव में उसका ये लोग प्रयोग करते या फिर उसको जो है जिससे भी ये आगे ले जा करके देते, उनका चुनाव प्रभावित करने के उद्देश्य से ही ये इस्तेमाल होता है। अंतर जिला है या सर राज्य है? ये अंतर जिला गिरोह है और इस पर और हम लोग द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या सर लगता है गिरोह का कहीं नेटवर्क इस दोस्त का नहीं? हाँ ये है, अभी हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं और आगे भी और बरामदगी की उम्मीद है।